हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता वर्मा ब्लॉग। आप सब कैसे हैं गाइज? हम अच्छे हैं, आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो गाइज, बजे हैं दिन के 1 और आज मुझे लेट हो गया ब्लॉग स्टार्ट करने में, क्योंकि सुबह काम वगैरह करा मैंने, नहाई धोई, नाश्ता बनाया सबका और अब लंच की तैयारी कर रही हूँ। और बीच में मीनू जी और मोनू जी आ गए थे, हर्षित की बुआ जी, फूफा जी, तो उनके साथ बैठना पड़ा इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अब मैं बनाती हूँ लंच। और गाइज, मुझे शाम को जाना है अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ पर मेरठ, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ की 50वीं शादी की सालगिरह है, तो वहाँ फंक्शन है, तो हमें शाम को वहाँ जाना है। हम 5 बजे निकलेंगे, 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे और फिर रात को फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम रात को ही घर वापस आ जाएंगे। और सोनू का और भाई साहब का मैं खाना बना कर जाऊंगी ताकि वो आके खा लें, उन्हें परेशानी ना हो। तो गाइज, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, लेट तो हो ही गया है। अभी कपड़े प्रेस भी करने हैं मुझे, देखती हूँ क्या पहन रही, साड़ी सूट पहनती हूँ। और अभी खाना ही बनाना है मुझे, अभी पैकिंग भी करनी है, अभी मेरा बहुत काम पड़ा है। चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेती हूँ मैं काम अपना। तो गाइज, हम तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए और हर्षित भी तैयार हो गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये तैयार तो हो गया देखो, लेकिन टीवी नहीं छोड़ के जा रहा, जैसे टीवी ना साथ ही लेके जाएगा ये, है ना। चले निकले गाइस, बचे हैं अब 4:45 और हम निकलते हैं अभी। चलिए गाइस, साड़ी, मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ और बस अब हम निकल ही रहे हैं 5 मिनट में। तो हम गाइस निकल रहे हैं अभी जल्दी से, और हमारे साथ जाएंगी रानी भाभी, परी, कृष्णा, बस फटाफट और निकलते हैं, देर हो रही है पहले, क्योंकि हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, ये कौन है गंदू, कौन है ये? मुझे देख के हंसता है, ये है कुंवर शैतान बच्चा, बहुत पाला पाला चा। बाय बाय, हाय। चलो जी, ध्यान रखना, हम जा रहे हैं। ओके, 11-12 बजे आ जाते, सोनू आने वाला है। बाय बेटा, यहाँ में देख, बाय, लव यू, क्लोजअप ले लो, क्लोजअप चाले की क्या लग रहा हूँ, मम्मा के पास जा। बाय बाय, हम जा रहे हैं गली में। ये रहा हर्षित, और हर्षित के पापा गए गाड़ी निकालने, अगर वो आ गए हमसे पहले पहुंच गए बहुत शोर मचा देंगे, इसलिए पहले हमें पहले निकलना चाहिए, जल्दी से बाहर रोड पे आ जाना चाहिए ऐसा, ये ना, क्योंकि बाहर वो ट्रैफिक जाम लग जाता है ना, बाहर इस टाइम थोड़ा रश है, होता है रोड पर, तो इसलिए हर्षित जा रहा है बैग लटका के। चल चल चल, तो गाइस हम पहुंच गए हैं और पापा नहीं आए अब तक। अच्छा है ना, पापा नहीं आए, पापा जल्दी आ गए तो डांट पड़ती, हम जल्दी आ गए तो कोई बात नहीं। मैं तो पिटी उधर ना फंस गए होंगे, इसमें रोड छोटी है ना, ट्रैफिक रहता है, कोई गाड़ी निकलने के इसमें फंस गए होंगे, कोई नहीं। देखो गाइस, मैं गई थी ना इस टाइम, रोड पर रश रहता है बहुत ज़्यादा। देखिए गाइस, ये आ गए भैया, भैया आ गए। आपको याद कर रहा था आज भैया नहीं खड़े, मैं कहा आने वाले होंगे, थोड़ा सा लेट आते हैं भैया। फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है और इसमें हम बैठ रहे हैं। हर्षु पीछे रख दिया बेटा बैग, पानी की बोतल निकाल के, पानी की बोतल इसमें रख दे, बैग पीछे रख दे। जय माता की बोल, बालाजी महाराज की जय। हाँ बेटा पीछे रख दे। आज मेरे साथ पोपट हो गया है, क्योंकि जो गिफ्ट देना था ना वो मैं घर ही भूल आई हूँ, और शुक्र है मुझे गली से निकलते याद आ गया, थोड़ी थोड़ी दूरी आए हम रोड पर और मुझे डांट भी पड़ गई बहुत ज़्यादा। तो अब हर्षित के पापा लेने गए हैं घर से, गाड़ी यहाँ रास्ते में रोक के, और
और डांट तो पड़ गई मुझे, मैंने गलती की तो डांट तो पड़ेगी पड़ेगी। ये भी शुक्र है कि मुझे जल्दी याद आ गई, रास्ते में आती तो मैं पूरी रास्ते डांट खाती हुई जाती फिर कोई ऑप्शन भी नहीं था ना घर आने का, शुक्र है मैं जल्दी पता चल गई। अर्षित कह रहा है इतनी टेंशन में भी आप ब्लॉग बना रहे हो, आपको मजे कितने आ रहे हैं। मैं कहा डांट मुझे ही पड़ी है ना, डांट मैंने खाई खाई नहीं खाई, तूने थोड़ी ना खाई डांट, तूने क्या झूठू डांट तो मैंने खाई है ना। गए हैं गिफ्ट लेके और गुस्सा भी करेंगे अभी मुझ पर, कोई नहीं सुनना पड़ेगा मुझे, कोशिश करा करूँगी। हाथ नहीं करा फिर किसने तू रोया क्यों? दीदी क्या रहा है? अच्छा वैसे लड़ता दीदी से? प्यार भाई बहन का, और लड़ने को भी तो कोई चाहिए था इसलिए याद आ रही थी, है ना भाई।
हाँ जी देखते हो आप मौली कह रही हूँ देखी उन्हें सोती नहीं रात को अर्जुन आएगा कल के ब्लॉग में है ना ए हीरो देखो दो बिछड़े हुए भाई दिल्ली से बिछड़े मेरठ में मिले हैं यार 130 साल से मिला रहे ज्यादा नहीं थी हमें दिल्ली में बिछड़े थे और यहाँ मेरठ में मिले हैं देखो दो भाई वो लड़ा की इधर देख ले आराम से देख ले देखिए गाइस ये हमारी फैमिली अभी नहीं जा रही हूँ तो गाइस बचे हैं रात के 12 और हम वहाँ से निकल गए हैं बहुत लेट गए हम पौना एक बजा है और हम अभी मोदी नगर में जाम में फंसे हुए हैं क्योंकि शादियों का सीजन है ना इस वजह से जाम बहुत लगा हुआ है रश बहुत ज्यादा है रश क्या जाम ही लगा हुआ है तो गाइस हम पहुँचेंगे 2-3 बजे तो आज शायद मैं रात को एडिटिंग नहीं कर पाऊँ मैं फिर ये वाला ब्लॉग सुबह डालूंगी क्योंकि बहुत लेट पहुंचेंगे फिर 2-1 घंटे तो लगते हैं ब्लॉग को एडिटिंग में तो इसलिए अपलोड करने में तो गाइस फिर मैं सुबह करूंगी इसको अपलोड ना गाइस बजे हैं रात के 2 और हम घर पहुंचने वाले हैं क्योंकि हमें जाम बहुत मिला लेकिन फिर भी हम सही टाइम पर ही पहुँच गए बजे हैं अब 2:30 रात के और हम घर पहुँचे क्योंकि हमें जाम मिला था तो गाइज अभी तो मैं एडिटिंग नहीं करूँगी एडिटिंग करूँगी सुबह क्योंकि अब एडिटिंग करूँगी तो मुझे बच जाएंगे 4 और इतनी थकान हो रही है मुझे तो मैं सुबह उठ के सुबह करूँगी मैं वीडियो कल ही डालूँगी अपनी तो गाइज हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं अगर हमें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।